पानी खर्चा आएगा मुलाजमों का, भरेगा या नहीं भरेगा ये बता। कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा भाई साहब आएगा 50,000 आएगा, भरेगा। डिजिटल अरेस्ट, फरेब और धोखे का ऐसा जाल जो आए दिन लोगों को शिकार बना रहा है। डिजिटल अरेस्ट की लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें फंसकर लोग एक ही झटके में अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं, कुछ ही देर में लाखों करोड़ों रुपए से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन कैसे, आखिर ये फर्जीवाड़ा है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट डिजिटल अरेस्ट के डकैत। खर्चा भाई साहब आएगा 50,000 आएगा, भरेगा बोल। सब कुछ खुलेआम होगा। मैटर सुन ले, आपका बेटा दोस्तों के साथ घूम रहा था, फिर रहा था, इसके दोस्तों ने जो 3 दिन पहले किसी लड़की को गवा किया उसके साथ रेप किया। वो आपको धमकियां देगा, बोले अगर 1 करोड़ रुपया आप नहीं देते तो इनको जेल हो जाएगी और जेल होने के बाद इनको फांसी की सजा मिल जाएगी। वो आपको डरा देगा, ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि मेरी सास जो कि खुद हृदय रोगी हैं वो घबरा भी गई, हॉस्पिटलाइज भी हैं अभी भी इस बात से। वो आपको मजबूर कर देगा। हेलो हेलो, वो रो रो के कह रहा था माँ मुझे बचा लो, मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, ये बोल रहा था, आप जो मांग रहे हैं आप दे दो। वो आपको घर में ही कैद कर लेगा। अगर आपको कोई भी व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट या हाउस अरेस्ट के लिए फोन करता है तो आप सबसे पहले समझ जाएं कि ये फोन कॉल फेक है। और वो आपको कंगाल भी कर देगा। वो एक एक करके ऐसे लोगों को जो आसानी से उनके माया जाल में फंस जाएं और फिर उनके खून पसीने की जो कमाई है उसको हड़प लिया जाए। खतरा हर घड़ी हर पल है, दुश्मन फोन कॉल पर है, किसी भी वक्त आपकी जमा पूंजी को एक ही झटके में साफ कर सकते हैं डिजिटल अरेस्ट के डकैत। देखिए, ऐसा धोखा किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। ये फरेब किसी को कंगाल कर सकता है क्योंकि इन दिनों फर्जी फोन कॉल और ऑनलाइन फर्जीवाड़े के जरिए लूट का एक बड़ा धंधा चल रहा है। मामला इसलिए भी और गंभीर हो जाता है क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का पूरा कुचक्र पुलिस, कस्टम, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों के नाम पर रचा जा रहा है। बच्चा नहीं है मेरे बेटे जैसे, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में नहीं दिया, पुलिस स्टेशन से बाहर रखा हुआ है। अगर मैं आपके बच्चे को पुलिस स्टेशन में देता हूँ, आपका बच्चा बेकसूर है, फिर भी 4 साल के लिए 5 साल के लिए अंदर चला जाएगा तो आपको लग जाएगा, बात नहीं बनेगा। बच्चे वो फोन कॉल किसी के पास किसी भी वक्त आ सकता है। जिसने भी फोन करने वाले अजनबी पर यकीन किया वो डिजिटल अरेस्ट हो गया। ये धोखा कितना खतरनाक है ये समझने से पहले सबसे पहले सुनिए मेरठ के सरिता जैन की आप बीती, जिनके पास एक अजनबी का फोन आया। खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले उस शख्स ने सरिता जैन को चकरा देने वाली खबर दी। तुम्हारे बेटे सौरभ जैन ने किसी लड़की के साथ रेप किया है और उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने सौरभ और उसके दोस्तों को पकड़ लिया है। अगर बेटे को बचाना है तो 1 करोड़ अकाउंट में डाल दो। फोन करने वाले शख्स की बात सुनकर सरिता जैन के पसीने छूट गए। ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्योंकि उन्हें फोन पर बेटे की आवाज भी सुनाई गई थी। मेरे पास फोन आया, वो कहते हैं कि जी मैं थाने से SP बोल रहा हूँ और आपके बेटे को उसके दोस्तों के साथ अरेस्ट कर लिया गया है। हमने कहा भाई किस वजह से, तो कहने लगे उन्होंने लड़की का मर्डर वो रेप किया है और उसका मर्डर कर दिया और अभी आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और यदि नहीं आप, हमने कहा भाई 1 करोड़ रुपया हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे, तो बोले अगर 1 करोड़ रुपया आप नहीं देते तो इनको जेल हो जाएगी और जेल होने के बाद इनको फांसी की सजा मिल जाएगी। तो हमने कहा कि भाई हमारा बेटा है कहाँ, तो कहने लगे लो आवाज़ सुनो, तो रोते रोते कह रहा माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे बहुत मार रहे हैं। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनसे ये बोला कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, उसे अरेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। तब उन्होंने हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट किया लेकिन उसके बाद वो बार बार कॉल करे जा रहे थे। ये घटना जिस प्रकार से घटाई गई, जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, जो ये कुछ मिनटों में हुआ है, ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि मेरी सास जो कि खुद हृदय रोगी हैं वो घबरा भी गई, हॉस्पिटलाइज भी हैं अभी भी इस बात से, और उन्होंने इस बात को सच मान लिया।
ये जो लोग इस समय सोशल मीडिया से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं उस प्रकार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये इतना ज़्यादा पूरे देश में सब जगह हो रहा है कि जो साइबर ठगी है ये सबसे ज़्यादा हो रही है। सरिता जैन और उनके पति ने वक्त रहते दिमाग और हौसले से काम लिया। उन्होंने बेटे सौरभ जैन को फोन किया। सौरभ जैन कवि हैं। घटना के वक्त वो कविता पाठ के लिए दिल्ली आए थे। सौरभ की जब माँ से बात हुई तो सारी कहानी खुल गई। पता चला कि फोन करने वाला शख्स फर्जी पुलिस अधिकारी है जिसने 1 करोड़ की वसूली के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। तो जैसे ही उनकी कॉल आई मैंने कहा हाँ जी, तो उन्होंने पूरी बात बताई। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और आजकल ऐसे फ्रॉड कॉल्स चल रहे हैं, आप परेशान ना हो, इसमें मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। उन्होंने मेरी बात मम्मी से कराई, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत हाई चला गया था, उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। शाम तक उनको फिर डिस्चार्ज किया। मैंने उनसे पूरी तरीके से बात की, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है और आजकल ये स्वाभाविक है, बहुत चल रहा है ये फ्रॉड। हमने इस चीज़ की जानकारी हमारे मेरठ के SP क्राइम को दी और एक व्हाट्सएप पर ही मैंने उनको पूरी सूचना दी ताकि FIR उसकी की जा सके। सरिता जैन तो बच गई, लेकिन पिछले दिनों मेरठ के पांडव नगर इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क 74 लाख रुपए गंवा बैठे। उन्हें भी किसी फर्जी पुलिस वाले ने फोन किया था जिसने मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर बैंक क्लर्क को बेवकूफ बनाया। करीब 1 महीने तक वो व्यक्ति ने उनको ट्रांजेक्शन करते रहे उनके अकाउंट में। तत्पश्चात उनको कहीं लगा कि इसमें कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसमें वो थाने आए जिस पर कि तत्काल उसमें FIR की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में इनसे करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए इनके अकाउंट से, जो फ्रॉड अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करवाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर, और इसमें तत्काल पुलिस टीम बनाकर रवाना की गई है। इस घटना के अनावरण हेतु 2 पुलिस टीमें बनी हैं साइबर थाने में और शीघ्र ही इसमें अनावरण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। यहाँ रविंद्र कुमार कुलकर्णी नाम के सज्जन को किसी ने फोन पर धमकी दी। हेलो, आपके खिलाफ फोन वीडियो बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, यदि कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हो तो अपने खाते से बताए गए नंबर पर ट्रांसफर कर दो। फोन करने वाले की धमकी सुनकर रविंद्र कुमार इतने डर गए कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए फोन करने वाले के बताए नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। डिजिटल अरेस्ट एक तरह का फ्रॉड है, जो लोग हमें फोन करते हैं फेक CBI या किसी एजेंसी का अधिकारी बनके और ये बताते हैं कि आपका फलाने मामले में नाम आया है, और अगर आप अभी इतना श्योरिटी के तौर पे या जमानत के तौर पे राशि हस्तांतरित नहीं करते हैं तो अभी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और टेक्निकली उसमें एक टर्म और यूज किया जाता है कि आदमी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जितने फ्रॉड के मामले आते हैं उन सभी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पैसा ट्रांसफर करने की बात की जाती है। मैं सभी को ये बात बताना चाहूँगा कि शासन के किसी भी नियम में इस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जमानत के लिए या श्योरिटी के लिए या प्रतिभूति के लिए किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। अभी तक हमने 2.5 करोड़ में से करीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा राशि जो है वो होल्ड करा, खातों में करा दी है। अभी हम बाकी सभी खातों को आइडेंटिफाई करके उसके अंतर्गत प्रयासरत हैं। यूपी के मुरादाबाद के फसाहत हुसैन से जालसाजों ने 1,92,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। यहाँ किसी फर्जी पुलिस अधिकारी ने फोन पर धमकी दी थी कि उनका बेटा रेप केस में फंस चुका है, बचना है तो पैसे ट्रांसफर करो। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसके बाद जिस नंबर से कॉल्स आए हैं बाकी उनको ट्रेस किया जा रहा है और इसमें बहुत जल्दी हम लोग उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जोधपुर की एक महिला डॉक्टर भी डिजिटल अरेस्ट होकर 6 लाख रुपए गंवा बैठी। महिला को पूरी रात वीडियो कॉल पर रखा गया था और साथ ही लगे हाथ उससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाए गए। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के पीछे पूरा एक ड्रामा भी रचा जाता है ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि कॉल पुलिस या किसी सरकारी जाँच एजेंसी ने किया है। लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स की तस्करी, रेप में फंसने की झूठी कहानी से डराया जाता है। घर के सदस्य की रोने की आवाज सुनाई जाती है। वीडियो कॉल के जरिए पुलिस अधिकारी से बात करवाई जाती है। पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड दिखाया जाता है। कॉल करने वाला आधार कार्ड समेत बैंक अकाउंट की जानकारी मांगता है। कई बार ये कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। बैंक खाता सीज करने की धमकी दी जाती है।
वेक ऐप डाउनलोड करवाकर फॉर्म भरवाया जाता है। डमी अकाउंट में जुर्माने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का ना एक बहुत एक नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो, इसमें नॉर्मली आपके पास एक कॉल आता है और कॉल पर एक पर्सन आपको बोलता है कि आप मोहित बात कर रहे हो या फिर आपका नाम आपको लेकर बोला जाता है और आपको फिर ये बोला जाता है कि आपके नाम से ना एक पार्सल है वो दिल्ली से जा रहा है इंडोनेशिया या कोई भी कंट्री का नाम उसमें डाल दिया जाता है और आपको ये बोला जाता है कि ये पार्सल आप ही का ही है। आप बोलते हो कि आपका ये पार्सल नहीं है लेकिन फिर आपको ये बोला जाता है कि आपके नाम से जा रहा है, आपके आधार का नंबर इसके साथ अटैच्ड है, फिर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाता है। नॉर्मली लोग अपना आधार नंबर अगर सतर्क नहीं है तो वो उस पर कॉल्स पर दे देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, लोगों को सोने नहीं दिया जाता, लोगों को इनफैक्ट बार बार डराया जाता है और उस सिचुएशन में फिर आपसे पैसे जो केस होता है, जो केस जो कि फेक केस है उसको रफा दफा करने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले इतने बढ़ गए हैं कि पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज रिपोर्टर के पास भी एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया जिसके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर मुंबई पुलिस के अधिकारी परमवीर सिंह की तस्वीर लगी थी। फोन करने वाले ने कहा कि आपका बेटा रेप केस में फंस चुका है। क्या नाम बोला बेटे का? अल्ताफ खान। अल्ताफ खान जो आपका बेटा है, अल्ताफ खान। अल्ताफ खान आपका जो बेटा है, आपको पापा बोलता है, डैडी बोलता है, अल्ताफ खान अब्बू बोलता है, अब्बू बोलता है। ये बात करो, अल्ताफ खान से बात करो, अपने हिसाब से बात करो। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, ये अपने बेटे से अल्ताफ खान से बात कर लें, ये बात कर रहा हूँ, ये बात करें। हेलो हेलो अरे अरे रो मत रो। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ये समझ चुके थे कि फोन करने वाला शख्स फर्जी पुलिस अधिकारी है। चौंकाने वाली बात ये है कि फोन का नंबर पाकिस्तान का था। फोन करने वाला फर्जी पुलिस अफसर 50,000 रुपए लेकर तुरंत डील पक्की करने के फेर में था। जो टैप वाली खर्चा आएगा मुलाजमो का, भरेगा या नहीं भरेगा ये बता। कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा भाई साहब आएगा 50,000 आएगा, भरेगा बोल। एक फोन कॉल पर यकीन करना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि इसके बाद ही ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का खेल शुरू हो जाता है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी चीज ही नहीं होती हमारे पूरे संविधान के, अगर हम देखेंगे लॉज को लेकर या फिर किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी ऐसा इंडियन पेनल कोड या फिर न्याय संहिता जो हमारा है उसके अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन ही नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है डिजिटल अरेस्ट के नाम से। सो अगर कहीं पे आपको डिजिटली अरेस्ट होने को बोला जा रहा है तो आप एकदम से उसको अपोज कर सकते हो और वहीं आपका डिजिटल अरेस्ट वाला जो पूरा आपके साथ अगर कोई घटना घटनी थी तो वो स्टॉप हो सकती है। सो इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा खेल है। अगर आप अवेयर हो, आपको पता है कि ऐसे फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं मार्केट में, तो आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हो। पिछले कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अचानक तेजी आ गई है। हर बार फर्जीवाड़े की कहानी का खुलासा होता है लेकिन इसके बाद भी लोग जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं।